मैंने वीडियो आज हम फिर से करने वाले हैं धमाल आ कमाल, मिल के करते हैं धमाल आ कमाल, मिल के कहेंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई, स्टार्ट करने से पहले एक एक है कि आपको लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब मेरा तेरे हैं क्यों तेरे तेरा हमारा तिरंगा झंडा हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, संविधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं। क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, यह हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम नीचे हम मिलकर गाएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इससे तीन रंग में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग अर्थ है बहादुरी या बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इस रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतीक्षा करें कि हम बहादुर बनेंगे। तिरंगों के झंडे में दूसरा रंग है सफ़ेद। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर भी विश्वास में शांति लाने का प्रण लें। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत में अब बिखरता है, हरे मैदानों में बरसता है, दिखाई देता है। हमारे देशों के किसान का देश है। मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंच विश्व की योजना की सफलता छिपी है। इन योजनाओं को आने वाले समय पर देश की करहनों में, स्कूलों में और नहरों में जल सा बिछ जाएगा। तिरंगे में बीच में अशोका चक्र, इनमें 24 तीलियां होती हैं जो पूरे दिन की गति जीवन को है। यह सफ़ेद पट्टी के बीच में बना या है। बस चला होगा, मदद कर दिया, लाइक कर दीजिएगा। बाय।